अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिवाज यूके की वाइटनिंग एक्सपर्ट क्लींजिंग मिल्क के बारे में। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत हेल्पफुल है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ आपको मैं दिखा रही हूँ, पीछे इसके बैक पे लिखी है इसकी मैन्युफैक्चर और इसकी एक्सपायरी। तो मैंने तो ये काफ़ी पहले लिया था, तो मेरी मैन्युफैक्चर 2018 की है और एक्सपायरी इसकी 2022 की है। जब मैंने लिया था तब ये 250 का था, अब शायद इसके प्राइस बढ़ गए हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा ये महंगा मिले। यहाँ पीछे इसकी लिखी है डायरेक्शन कि आपने इसको किस तरह यूज़ करना है, और इस पे लिखा है कि आपने इसको कॉटन पैड की मदद से भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं या अपनी फिंगर टिप्स के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह लिखे हुए हैं पीछे बैग पे, और ऊपर इसका लिखा हुआ है कि ये बेसिकली है क्या चीज़। तो ये 3-in-1 है, मतलब जब आप मेकअप करेंगे और आप इसको मेकअप रिमूवर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसे क्लींजिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। क्लींजिंग बेसिकली होता क्या है? तो क्लींजिंग का मतलब है आप अपने फेस पे डर्ट को रिमूव करते हैं, क्लींस करते हैं अपनी स्किन को। तो मेकअप भी आप रिमूव कर सकते हैं, और आप इसे रात में भी यूज़ कर सकते हैं और दिन में भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और ये बहुत अच्छा है, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर है इसका, और जो इसकी सेंट है वो बहुत ही मज़े की है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें एक बार, बहुत अच्छा है ये। 3-in-1 है, क्लींस करता है, आपकी स्किन को टोन करता है और आपकी स्किन को मॉइस्चर भी प्रोवाइड करता है। और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, और ये 150 ml बॉटल में आता है, इससे छोटा नहीं आता। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कैसा लगा क्लींजर। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो। तो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, तो आपको फ्यूचर में मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर दें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।